नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिगाबालिन कैप्सूल जो दवा आती है उसके बारे में। दोस्तों, काफी बार आपने देखा होगा कि जो पर्संस होते हैं उनमें सीजर्स की कंडीशन आने लग जाती है, सीजर्स के दौरे आने लग जाते हैं, जिनको नॉर्मली मिर्गी के दौरे भी बोलते हैं, वो आने लग जाते हैं। अब मिर्गी के दौरे होते क्या है कि अचानक से बॉडी जर्किंग मूवमेंट्स में आ जाना, गिर जाना नीचे, ठीक है, कोई मसल्स वगैरह है वो काम नहीं करना, बहुत ज्यादा टाइट हो जाना, कुछ भी ना सुनना ना सुनना ना बोलना, ये सारी मूवमेंट्स एकदम अब्सेंट हो जाती है, तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। इसमें जो मसल्स वगैरह होती है अपनी बॉडी की, एकदम जर्किंग मूवमेंट्स में आ जाती है, टाइट हो जाती है एकदम, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीजर्स, जिनको हम नॉर्मली मिर्गी के दौरे के नाम से जानते हैं। अगर ये जो सीजर्स है वो बार बार आने लग जाए, जैसे अभी आए थे 1 घंटे बाद वापस आ गए, 1 घंटे बाद वापस आ गए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी। तो उस कंडीशन में ये प्रिगाबालिन जो कैप्सूल्स होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा, ताकि ये जो सीजर्स के दौरे आते हैं ये धीरे धीरे कम होने लग जाए और बंद होने लग जाए पेशेंट में। इनको ठीक करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन होती है, तो एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए इस दवा को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा काफी बार पेशेंट्स में ये एक शिकायत देखी जाती है कि उनके पैरों में या फिर हाथों में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, काफी एनाल जैसी पैरासिटामोल, डाइक्लोफेन, आइबुप्रोफेन सब कुछ ले ली, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। तो हो सकता है ये जो पेन है वो नर्व पेन की वजह से हो रहा हो। तो नर्व पेन जब होता है तब उस कंडीशन में ये जो एनाल्जेसिक्स होती है ये काम नहीं करती अपनी बॉडी में, तो उस कंडीशन में जो प्रिगाबालिन कैप्सूल्स है ये भी यूज में ली जाती है, ताकि जो न्यूरोपैथिक पेन होता है, जो नर्व पेन की वजह से पेन होता है, उसको भी ठीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल मानी गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, ये जो प्रिगाबालिन कैप्सूल्स है अपने ब्रेन में जाके वहां पे जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है ब्रेन की, उस एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देती है, मतलब नॉर्मल वे में कर देती है, ताकि जो सीजर्स के जो दौरे थे वो कम हो जाए, न्यूरोपैथिक पेन ठीक हो जाए, तो इस तरीके से ये अपनी बॉडी में काम करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसको यूज करने के बाद ड्राइनेस इन माउथ, जो मुंह है वो सूखा सूखा रह सकता है, इनसोम्निया, नींद सही से नहीं आएगी, या फिर ड्राइनेस इन माउथ हो सकता है, या फिर जैसे ब्लर्ड विजन की शिकायत देखने को मिल सकती है। ब्लर्ड विजन मतलब आंखों से देख रहे हैं पर धुंधलापन दिख रहा है, इस कंडीशन को ब्लर्ड विजन बोलते हैं। इसके अलावा वेट गेन हो सकता है, जो वजन है वो बढ़ने लग सकता है, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, कि क्या क्या इसकी ऐसी कंडीशंस है जिनमें यह दवा बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए उन पर्सन्स को। दोस्तों, अगर कोई पर्सन है उसके सीओपीडी की प्रॉब्लम है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अगर किसी के ये प्रॉब्लम है तो उनको ये प्रिगाबालिन कैप्सूल्स नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कार्डियक की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर लैक्टेटिंग मदर्स है, तो उनको भी हमेशा प्रिकॉशंस के साथ में ही देनी चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आप प्रिगाबालिन कैप्सूल्स को यूज में लो और लेते ही आपकी बॉडी में जैसे पूरी बॉडी रेडनेस होने लग गई, या फिर इचिंग चलने लग गई पूरी बॉडी में, जो आईज है वहां से पानी बहने लग गया, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग गया, बार बार स्नीजिंग, छींक आने लग गई, अगर आप में ये सिम्टम्स देखने को मिले प्रिगाबालिन कैप्सूल्स को इंटेक करने के बाद, तो हो सकता है ये जो दवा है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर रही हो, तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज करने लग जाए, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से यूज में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज में लें, अपने आप से कभी भी दवा को यूज में ना लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।